أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بشك نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. صدق اللہ العظیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. دس از دا لیکچر آن ڈرگ ڈیزائن اے ریشنل اپروچ. This lecture is 12th lecture of the series. The topic of rational drug design is method of variation. इस lecture में हम method of variation को discuss करेंगे. ये हमारी series का 12वां lecture है medicinal chemistry का. BS 8th और MSc 4th students के लिए ये लेक्चर डिज़ाइन किया गया है. आई एम होपफुल कि आप लोगों को समझ आएगा. लेट्स स्टार्ट. इस लेक्चर में जो की कंसेप्ट्स हैं मेथड ऑफ वेरिएशंस के, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस है, फिर उसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं और एग्जांपल्स हमने बयान की हैं कि एक ड्रग को हम कैसे डिस्कवर करते हैं और एक न्यू ड्रग मॉलिक्यूल जब मार्केट में आता है तो उसको क्या नाम देते हैं और उसको क्या मेथड हो सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या सिग्निफिकेंट्स हैं. ये की कंसेप्ट्स हैं हमारे आज के इस लेक्चर के. अगर हम मेथड ऑफ वेरिएशन की बात करें, इस मेथड के मुताबिक एक ड्रगेबल मॉलिक्यूल को डेवलप किया जाता है फ्रॉम बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटोटाइप. अगर आप इसमें देखें, इन दिस मेथड a new drug able molecule is developed from a biologically active prototype. Means compound is already biologically active. इसके फायदे क्या हैं, advantages क्या हैं? At least one new compound of known activity is found. सबसे पहला फ़ायदा है कि जब हम मेथड ऑफ वेरिएशन को अप्लाई करेंगे, कम अज़ कम एक ऐसा कंपाउंड जिसकी एक्टिविटी पहली दफ़ा मालूम की जा रही होगी वो मोरेज वजूद में आएगा. सेकंड एडवांटेजेस ये है, द न्यू स्ट्रक्चरल एनालॉग even if not superior may be more economical. वो ये कहना चाह रहा है अगर जो नया मॉलिक्यूल हम डिस्कवर करेंगे मे बी वो ज़्यादा सस्ते तरीके से हमें मिले, मोर इकोनॉमिकल हो. थर्ड एडवांटेज इसका ये है, आइडेंटिकल केमिकल प्रोसीजर इज एडॉप्टेड एंड हैंस कंसीडरेबल economy of time, library and laboratory facilities. इसका मतलब ये है कि अगर हम पहले से adaptive procedure को adopt करेंगे, जो तरीकाकार पहले से बयान किया गया है, उससे फ़ायदा ये होगा कि काफ़ी time की बचत हो जाएगी और जो हम library और जो laboratory facilities पहले से मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, उससे एक नया molecule आराम से डिस्कवर हो जाएगा रादर देन हम न्यू मेथड अप्लाई करें. फोर्थ इम्पॉर्टेंट एडवांटेज स्क्रीनिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ कंजनर. इसमें हम कंजनर मींस मेंबर ऑफ द सेम जीन, एक जीन के मेंबर जो हैं उनको हम स्क्रीन करते हैं. गिव्स बेसिक इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू फार्माकोलॉजिक एक्टिविटी.
फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी से जो बेसिक उनका स्ट्रक्चर है वो हम स्क्रीन करते हैं, रैंडम स्क्रीनिंग करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस सेम सीरीज में कौन सा काउंट मोर एक्टिव है। इसी तरह पांचवा, फिफ्थ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस, सिमिलरली फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स फॉर स्पेसिफिक स्क्रीनिंग में भी यूज इफेक्टिवली। बाज़ औक़ात हम डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स भी इस्तेमाल करते हैं कि इससे हमारी स्क्रीनिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो और कास्ट इफेक्टिव इसी हो तरह जब हम और ऑब्जेक्टिव की टाइम बात कम करते से कम हैं, कंज्यूम हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन कि इसके अहम ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, हम ये मेथड क्यों अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहला मेथड है टू इम्प्रूव पोटेंसी। ये बहुत अहम पॉइंट है कि हम जब ये मेथड अप्लाई करेंगे तो उससे जो ड्रग कैंडिडेट है उसकी पोटेंसी में इजाफा होगा, मोर पोटेंट होगी। टू मॉडिफाई स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन, हम उसके एक्शन को भी ज़्यादा स्पेसिफाई कर सकते हैं विद दिस मेथड। टू इम्प्रूव द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, हम उसका जो ड्यूरेशन है अमल करने का ऑन द डिजीज़ वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि एक कंपाउंड है, एक ड्रग है जो कि एक दफ़ा लेनी पड़ती है, मीन्स उसका ड्यूरेशन 24 आवर्स तक है। बाज़ औक़ात ऐसी भी ड्रग हैं जिनको 3 टाइम लेना पड़ता है, बाज़ औक़ात 6 आवरली, 8 आवरली, डिफरेंट ड्रग्स हैं, लेकिन इस मेथड को अप्लाई करते हुए मेथड वेरिएशन से हम उसका ड्यूरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी, ये और पॉइंट है, बहुत सी जितनी भी ड्रग्स हैं उनके टॉक्सिक इफेक्ट ज़रूर होते हैं, टॉक्सिसिटी वो काज करते हैं। जब हम ये मेथड अप्लाई करेंगे उससे टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी कंपाउंड की और फ़ायदा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है टू इफेक्ट ईज ऑफ एप्लीकेशन आर एडमिनिस्ट्रेशन आर हैंडलिंग। जो ये पॉइंट है मीन्स हम जो कंपाउंड इस मेथड से डिस्कवर कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन मीन हम उसको किस रूट से एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, इंट्रावेनस देंगे, ओरल देंगे, सिरप में होगा, कैप्सूल में होगा, बहुत से हैं। हैंडलिंग, उसमें हैंडलिंग का भी इशू है कि हम हैंडल किस तरीके से करेंगे उसको। नेक्स्ट पॉइंट है टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी, बहुत से कंपाउंड जो है जो ड्रगेबल कंपाउंड हैं उनकी स्टेबिलिटी नहीं होती, इसलिए जब हम ये मेथड अप्लाई करेंगे तो हो सकता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। जितनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी शेल्फ लाइफ होगी, जितनी ज़्यादा शेल्फ लाइफ होगी वो उतना ज़्यादा इस्तेमाल के काबिल होगा। अगर ऐसे कंपाउंड जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है उनकी एक्सपायरी जल्दी हो जाती है, इसलिए टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिससे हम मेथड ऑफ वेरिएशन से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू रिड्यूस कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम मेथड ऑफ वेरिएशन अप्लाई करते हुए जो ड्रग हम बना रहे हैं उसकी जो कास्ट आ रही है उसको भी हम कम कर सकते हैं इस मेथड को अप्लाई करते हुए, जिससे फ़ायदा क्या होगा, जो लोग इस ड्रग को इस्तेमाल करेंगे कम कीमत अदा करेंगे रादर देन जो कास्टली मेडिसिन मार्केट में मौजूद हैं, तो उनसे एक पुअर नीडी पीपल को फ़ायदा हो जाएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे मेथड ऑफ वेरिएशंस के। इस सेम इंफॉर्मेशन के हम व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन आफ्टर ड्राइंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, जब हम मेथड ऑफ वेरिएशन अप्लाई करते हैं और उससे डिफरेंट स्ट्रक्चर देते तो उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, तो पहला पहला पॉइंट है वेरिएशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स एंड दे आर प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर, मीन्स एक फंक्शनल ग्रुप किस तरह वेरी कर रहा है और उसकी प्रॉक्सिमिटी मीन्स वो कितने फासले के ऊपर है, कितने डिस्टेंस के ऊपर है,
वो कौन सी पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है एक दूसरे से। समटाइम्स एक जैसे फंक्शन ग्रुप लगे होते हैं, बाज़ों का डिफरेंट लगे होते हैं, तो उससे पता चलता है कि जो हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं, वेरिएशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स एंड देयर प्रॉक्सिमिटी टू वन अदर, कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, उसको हम मेजर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वेरियस प्रोबेबल रोटेशनल एंड स्पेशल कॉन्फिगुरेशंस। इससे जो हमें मुख्तलिफ किस्म की रोटेशन और स्पेशल कॉन्फिगुरेशन भी पता चलती हैं कि कंपाउंड का कौन सा पार्ट है जो टारगेट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जब हम उसकी रोटेशन करेंगे या स्पेशल कॉन्फिगुरेशन उसकी देखेंगे, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन ड्रग डिस्कवरी। नेक्स्ट पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस बिटवीन वेरियस पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इन डिफरेंट कॉन्फिगुरेशन इन स्पेस। मुमकिन है कि अगर कुछ पोर्शन मॉलिक्यूल्स के ऐसे हैं जिनके साथ बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, वो स्टीरिक हिंड्रेंस काज कर सकते हैं, तो इससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसको भी कम स्टीरिक हिंड्रेंस को कम करके हम मुख्तलिफ किस्म के दूसरे ग्रुप, स्मॉल ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिनकी सेम पोटेंसी, सेम एफिकेसी और सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। डिफरेंट इंफॉर्मेशन है जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं उससे हमें मिलती हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब होता क्या है कि जब मॉलिक्यूल टारगेट के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की हम इंटरेक्शन नोट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, ये आपने पढ़ा होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से भी होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से भी होता है। इसी तरह मेसोमेरिक इफेक्ट, ये भी इसी तरह होता है कि मुख्तलिफ जो फार्माकोफोर्स हैं, जो मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स हैं कंपाउंड के साथ लगे होते हैं, वो क्या इफेक्ट डालते हैं कंपाउंड की एक्टिविटी के ऊपर, उससे मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन डेवलप होते हैं। इसी तरह हाइपर कंजुगेशन है, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, रेजोनेंस इन स्पेस। तो होता क्या है हाइपर कंजुगेशन में, जो नियर बाई ग्रुप होता है उसके साथ जो समाल मालिक्यूल है लाइक हाइड्रोजन और कार्बन, तो वो क्या करते हैं, इंट्रैक्ट कर रहे होते हैं थ्रू स्पेस, तो उसको हाइपर कंजुगेशन कहते हैं, जिससे एक किस्म की इंटरेक्शन डेवलप होती है। इनको सेकेंडरी इंटरेक्शंस कहते हैं, ये मॉलिक्यूल्स में होती हैं। इस तरह आयनोजिबिलिटी, ये भी एक फैक्टर है, अगर कंपाउंड के अंदर अगर पोलैरिटी है तो उस पोलैरिटी की वजह से पॉसिबिलिटी है कि उसमें मुख्तलिफ किस्म के आयन्स बन जाएं, उन आयन्स बनने से चिलेशन भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी ऑफ चिलेशन, एसिमेट्रिक सेंटर एंड ज्यूट्रन फॉर्मेशन। तो हो सकता है कि एसिमेट्रिक सेंटर भी बन जाए और ज्यूट्रन फॉर्मेशन में, ज्यूट्रन कहते हैं टू टाइप्स ऑफ आयन्स, अगर किसी कंपाउंड्स के अंदर प्लस माइनस एक साथ मौजूद हों तो उसको ज्यूट्रन फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन पता चलती हैं कि हमारा कंपाउंड जो है वो किस तरह ड्रगेबल हो सकता है, मीन उसके ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो सकती हैं। ड्रग की प्रॉपर्टीज होती हैं, कोई भी कंपाउंड है, सिंपल पैरास्टामोल को देख लें, सिंपल डिस्प्रीन को देख लें, एस्प्रीन को देख लें, सिंपल मॉलिक्यूल हैं, लेकिन एक साथ जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, एक के साथ एमाइड लगा हुआ है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है पैरास्टामोल, तो देखिए इनकी आपस की इंटरेक्शन हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इंडक्टिव इफेक्ट है, पाई बॉन्ड की ड्यूलोकाइजेशन है तो मेसोमेरिक इफेक्ट है। इसी तरह अगर हाइड्रोजन के यहीं पे टाक कर वंडर फोर्सेस के जरिए तो हाइपर कंजुगेशन है, हाइड्रासल ग्रुप है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, आयनिजेबिलिटी है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारा कंपाउंड ड्रगेबल कैसे हो सकता है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। आप ये जो रिसर्च डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैं, न्यू मॉलिक्यूल्स को कैसे मार्केट में लाती हैं, इट हैज़ बीन प्रूव्ड बियॉन्ड एनी रीजनेबल
डाउट दैट द रेट ऑफ सक्सेस इन ड्रग डिस्कवरी इज एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट ऑन द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई करेक्टराइज नोवल पैटेंटेबल न्यूअर टारगेट ड्रग मॉलिक्यूल यूजुअली टर्म्ड एज न्यू केमिकल एंटिटीज विच एसेंशियली पोजेस द इनहेरेंट कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल इन द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज एलिमेंट बिसाइड्स बीइंग एफिकेशियस एंड सेफर इन करेक्टरिस्टिक। इसका मतलब ये है कि हम बगैर किसी शक के ये बात कह सकते हैं कि जो ड्रग डिस्कवरी कर सक्सेस रेट है वो कौन सी चीज़ पे डिपेंडेंट है कि जिससे हमें पता चल जाता है कि ये कंपाउंड ड्रग मॉलिक्यूल हो सकता है। तो हम उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, नोवेल्टी है, पेटेंटेबल है, टारगेट ड्रग मॉलिक्यूल है, यूजुअली टर्म्ड एज, जो न्यू मॉलिक्यूल मार्केट में आ रहा है तो उसको हम कहते हैं न्यू केमिकल एंटिटी NCE विच एसेंशली पोजेस द इनहेरेंट कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल इन द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीजेज। अब जो जो न्यू केमिकल एंटिटी है इसका असर ये होता है कि ये स्पेसिफिक डिजीज़ और एलिमेंट को कंट्रोल करता है, उसकी मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है बिसाइड बीइंग एफिकेशियस एंड सेफर इन करेक्टर। विद द एडवेंट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द स्पेशलाइज्ड एरियाज रिलेटेड टू जीनोमिक्स एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री एंड अप्रिशिएबल एडवांसमेंट हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड इन द रिसर्च एंड डिवेलपमेंट स्ट्रेटजीज। वो ये कहना चाह रहा है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी फास्ट होती जा रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आती जा रही है जैसे कि जीनोमिक्स है, कंप्यूटरी है, इससे मज़ीद एडवांसमेंट आ रही है R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और तेज़ी आ गई है विद जीनोमिक्स एंड कंप्यूटरल केमिस्ट्री। ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस की बात करें, इट इज़ हाउ आवर पर्टिनेंट टू मेंशन हेयर दैट अ प्रोप्रेटरी न्यू केमिकल एंटिटी स्टेटस पोजिशन एंड रिकग्निशन इज एन अब्सोल्यूट मस्ट नॉट ओनली टू इंश्योर मार्केटिंग एक्सक्लूसिवली बट ऑल्सो टू एप्टली जस्टिफाई द ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरिंग R&D प्रोसेस दे आर बी मेकिंग मेडिसिनल केमिस्ट्री ए मोर आर लेस कोर एलिमेंट ऑफ इंटायर ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। ये कहना चाह रहा है कि हम ये यहाँ मेंशन करते हैं जो न्यू केमिकल एंटिटी है उसकी स्टेटस, उसकी जो पोजीशन है या उसकी जो रिकग्निशन है वो एक एब्सोल्यूट मस्ट नॉट ओनली टू इंश्योर मार्क के सिर्फ हम उसकी मार्केटिंग ना करें बल्कि उसमें हम ये भी देखें कि वो कंपाउंड ड्रगेबल है भी या नहीं। हम ऐसे फजूल जो आजकल नाउ डेज कंपनीज खुली हुई हैं ऐसे ही मार्केटिंग करते हैं कि इससे ये हो जाता है, इससे जल्दी फीवर ठीक हो जाता है, तो ये मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि आप अगर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो ड्रग डिस्कवरी के प्रोसेस को फास्ट करें और ऐसे कैंडिडेट, ड्रग कैंडिडेट मार्केट में लाएँ जिससे फ़ायदा हो लोगों को। इंटरेस्टिंगली ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस में भी कैटेगराइज्ड इनटू 4 डिस्टिंक्ट हेड। हम ड्रग डिस्कवरी को 4 मुख्तलिफ किस्म के हेड्स में डिवाइड करते हैं। पहला है टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। ये एक रिसर्चर का काम होता है कि वो अपना एक टारगेट सेट करता है, टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। अगर वो टारगेट आइडेंटिफाई नहीं कर पाता या सिलेक्शन उससे नहीं होती तो वो डिस्कवरी कैसे करेगा। इट दैट इज़ वाई ये जो पॉइंट है टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है टारगेट ऑप्टिमाइजेशन। जब हम टारगेट को आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा जीन डिजीज़ में इन्वॉल्व है,
और हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, डीएनए है या आरएनए है, उसके बाद हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ये प्रोटोकॉल्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के ऑप्टिमाइजेशन के। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल, मीन्स उसकी कंसंट्रेशन, उसके प्राइमर, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इसमें आती हैं जो उससे हम टारगेट की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि हम कितना कितनी कंसंट्रेशन लेंगे, 1 मोलर लेंगे, 2 मोलर लेंगे, ये टारगेट ऑप्टिमाइजेशन। इसी तरह लीड आइडेंटिफिकेशन, फिर आता है हम जो कंपाउंड अपने मार्केट में मौजूद हैं या जो हम सिंथेसाइज डेली बेसिस पे करते हैं उनसे लीड आइडेंटिफिकेशन करते हैं। लीड का कंसेप्ट ये है कि हम एक कंपाउंड्स की सीरीज़ लेते हैं, उन सीरीज़ में एक कंपाउंड बहुत अच्छा एक्टिव है बनिस्बत दूसरों के, मीन्स हैं सिमिलर कंपाउंड, मीन्स फ्लेवोनाइड्स हैं या टर्पिनाइड्स हैं, लेकिन उनकी सीरीज़ है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, लेकिन उनमें एक ऐसा है जिसके ऐसा सपोज टू बी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगे बहुत एक्टिव है, तो उसको लीड कंपाउंड कहेंगे, उसकी एक्टिविटी है बहुत अच्छी है। जब हम लीड आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर चौथा स्टेप आता है ऑप्टिमाइजेशन का। लीड ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने कंपाउंड को डिस्कवर किया वो हमारा लीड है, अब हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वो इसलिए करते हैं ऑप्टिमाइजेशन ताकि उसकी पोटेंसी, एफिकेसी इम्प्रूव हो जाए। नेक्स्ट हमारा है फैक्टर्स इन्वॉल्विंग इन ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं? द कंसर्टेड एफर्ट्स इन कंपासिंग वेरियस इंटेंजिबल एंड क्रिटिकल मेथडोलॉजीज दैट अल्टीमेटली रिलेट टू द एक्टिविटीज, एक्सपर्टीज, विजडम एंड इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल साइंटिस्ट डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस वर्चुअली लीड्स टू एडवांस ड्रग डिस्कवरी प्रोफाइल। इसका मतलब ये है कि हम कॉन्टिन्यूस एफर्ट और क्रिटिकल मेथडोलॉजीज अप्लाई करते हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ एक्सपर्ट हैं, विजडम है और उसकी इंटीग्रेशन है, एक इंडिविजुअल साइंटिस्ट है, तो सारे के सारे चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। इन शॉर्ट द क्वालिफाइड सक्सेस इन द ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस प्रीडोमिनेंटली रिवॉल्व अराउंड द फॉलोइंग कार्डिनल फैक्टर्स, जो हम कहते हैं कि जो अहम फैक्टर हैं ड्रग डिस्कवरी में वो ये हैं। सबसे पहला है आर्टिकुलेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, क्योंकि हमने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था जिसमें हमने कहा था कि हम इस डिजीज़ के खिलाफ ये कंपाउंड बना लेंगे, और उसकी मैनेजमेंट, उसकी एक पूरी टीम होती है, आर्टिकुलेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, वो उस टीम के बगैर नहीं हो सकता। अगर आप पास टीम नहीं है तो आप उस प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर सकते। प्रायोरिटाइजेशन, आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? आप अगर इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपके पास प्रोजेक्ट है, तो आप उसको प्रायोरिटी नहीं दे तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट तक कैसे पहुंचेंगे? प्रायोरिटी देना भी बहुत ज़रूरी है। वेल डिफाइंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो आप काम करना चाह रहे हैं उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव बिल्कुल वाजे तौर पर मालूम होने चाहिए, एम्बिगुइटी ना हो, एम्बिगुअस ना हो। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर, भाई इसमें जो कंपनी इन्वॉल्व है और जो कल्चर इन्वॉल्व है उसको भी इन्वॉल्व करना चाहिए, उसको भी पता हो कि कौन सी रिसर्च चल रही है और मुझे क्या फ़ायदा होगा। रिसोर्सिंग मॉडस ऑपरेहेंड, इसमें भी ये होता है कि रिसोर्स कौन सा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फंडिंग एजेंसी है। प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स, हम आखिर में क्या करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट तो चल रहा होता है लेकिन इसमें हमें डिसीजन मेकिंग पावर हमारी बहुत वीक होती है, अगर डिसीजन पावर वीक होगी तो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए ये भी एक फैक्टर है ड्रग डिस्कवरी में। अगर डिसीजन पावर नहीं है तो न्यू ड्रग मॉलिक्यूल मार्केट में लाना बहुत मुश्किल है। प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स ये इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स गवर्निंग ड्रग डिज़ाइन। चंद एक फैक्टर हैं, अ फ्यू कार्डिनल फैक्टर्स गवर्निंग द एफिकेसी टुवर्ड्स द एवेल्युएशन ऑफ ड्रग डिज़ाइन इंक्लूड्स
इसमें जो ड्रग डिज़ाइन में कुछ फैक्टर हैं वो हैं द स्मॉलर द एक्सपेंडिचर ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज इन्वॉल्व टू एवॉल्व अ न्यू ड्रग ऑफ अ पार्टिकुलर वैल्यू द मोर वायबल इज द डिज़ाइन ऑफ द प्रोग्राम। वो ये कहता है जितना हम कम ह्यूमन एफर्ट इस्तेमाल करेंगे, जितना कम मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा उस ड्रग की वैल्यू होगी और उसके डिज़ाइन और प्रोग्राम इतना ही वायबल होगा, इतना इम्पॉर्टेंट होगा। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल एनिमल एंड क्लिनिकल स्क्रीनिंग ऑपरेशन ऑफ द न्यू ड्रग, जो ड्रग हम मार्केट में ला रहे हैं उनके लिए हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स भी शामिल करते हैं। देन क्लिनिकल स्क्रीनिंग में उसके हेल्दी इंडिविजुअल आते हैं, देन ये प्री क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। तो न्यू ड्रग्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड फैक्टर है रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल फीचर्स एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज नीड टू बी एस्टेब्लिश रेट्रोस्पेक्टिवली। जो केमिकल फीचर्स और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको भी बिल्ड करना चाहिए। मीन्स जो चौथा पॉइंट है यही बता रहा है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप वेरी टू एन अप्रिशिएबल एक्सटेंट इन डेप्थ एंड सोफिस्टिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एवलुएशन ऑफ स्ट्रक्चर आर एक्टिविटी। ए पर्पजफुल रिलेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल मस्ट इंक्लूड स्टेरिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ऑफ कंपोनेंट, फंक्शनल ग्रुप्स एंड इन जनरल द मालिक्यूल एज ए होल। मीन जो रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल फीचर्स और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है उसे जो हम बिल्ड करते हैं होते हैं क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, कि कौन सा पार्ट मालिक्यूल का टारगेट मालिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, और एक पर्पजफुल जो रिलेशनशिप है वो हम मालूम करते हैं। इसमें स्टेरिक फैक्टर्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी होते हैं, फंक्शन ग्रुप्स भी होते हैं, सम टाइम इन जनरल द होल मालिक्यूल, और बाजू का पूरे का पूरा मालिक्यूल भी इन्वॉल्व होता है उन इंटरेक्शंस में। लेकिन इसमें यह है कि सारे के सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं। किसी एक फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करने से उस कंपाउंड की एक्टिविटी बिल्कुल लॉस हो जाती है। इसी तरह फिफ्थ पॉइंट है द ट्रेंड टू सिंथेसाइज अ ह्यूज नंबर ऑफ न्यूअर मेडिसिनल कंपाउंड इनडिस्क्रिमिनेटली फॉर एक्सप्लोरेटरी एवेलुएशन स्टिल प्रिवेल्ड, विच एक्सक्लूसिवली रिफ्लेक्ट्स द क्रिएटिव जीनियसनेस एंड कंसेप्चुअल फंक्शन ऑफ अ हाईली इंडिविजुअलाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ नोवेल्टी बाई ए मेडिसिनल केमिस्ट। इसका कहने का मतलब यह है कि आजकल जो ट्रेंड सेट हुआ है ए लार्ज नंबर कंपाउंड को सिंथेसाइज करने का, इससे फ़ायदा ये हुआ है कि केमिकल स्पेस बढ़ गई है, और ये शो करता है कि जो केमिस्ट हैं वो बहुत जीनियस हैं, क्रिएटिव हैं, वो काम कर सकते हैं। दे कैन डू दे कैन सर्च न्यू मॉलिक्यूल फॉर द डिजीजेस, फॉर द कम्प्लेक्स डिजीजेस। सिक्स्थ पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल दैट नीड नॉट एसेंशली रिजेंबल मेटाबोलाइट बट आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग बॉन्डिंग इंटरेक्शन विद इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ बायोकेमिकल कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अफोर्ड एंड इम्पॉर्टेंट बेसिस फॉर एक्सप्लोरेशन। अगर किसी कंपाउंड के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लगे हैं दैट नीड नॉट एसेंशली रिजेंबल मेटाबोलाइट बट आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग बॉन्डिंग इंटरेक्शन विद द इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप ऑफ बायोकेमिकल कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अफोर्ड एंड इम्पॉर्टेंट बेसिस फॉर एक्सप्लोरेशन। मीन्स जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी इंटरेक्शन की बात कर रहा है कि अगर वो इंटरेक्ट कर रहा है तो एक न्यू एक्सप्लोरेशन मिलेगी। डिजीज एटियोलॉजी एंड वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व प्रूव यूजफुल। जो डिजीज़ की एटियोलॉजी है कि डिजीज़ कहाँ से आनसेट हुई, कौन से जीन इसमें इन्वॉल्व थे और उसका कौन सा बायोकेमिकल प्रोसेस था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ड्रग डिस्कवरी में। कंप्यूटरल केमिस्ट्री की बात करते हैं, इट कंप्राइज ऑन केमिकल सिंथेटिक मेथड दैट मेक इट पॉसिबल टू प्रिपेयर अ लार्ज नंबर 10 to 1000 और इवन मिलियंस ऑफ कंपाउंड इन अ सिंगल प्रोसेस। ये मैंने पहले बात की कि कंप्यूटरल केमिस्ट्री, इनको कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन कहते हैं, कि इससे हम बहुत से कंपाउंड सिंगल प्रोसेस सिंथेसाइज कर सकते हैं और उनकी हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी चेक कर सकते हैं एंड द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
दीज कंपाउंड लेवरेज कैन बी मेड एज ए मिक्सचर सेट्स ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड आर केमिकल स्ट्रक्चर जनरेटेड बाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मीन्स इनसे हम मुख्तलिफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे होते हैं, जो कंपाउंड बनाते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के ऊपर, उनकी हम क्या करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेक करते हैं। दीज कंपाउंड लेवरेज कैन बी मेड एज ए मिक्सचर सेट्स ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड आर केमिकल स्ट्रक्चर जनरेटेड बाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। तो ये कंप्यूटर केमिस्ट्री है, ये न्यू टेक्निक है इन ड्रग डिस्कवरी। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन। ये एक टेक्निक है मेथड ऑफ वेरिएशन की। मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन इज अ न्यू कंसेप्ट इन ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द कम्बिनेशन ऑफ फार्माकोफोरिक मॉइटीज ऑफ डिफरेंट बायोएक्टिव सब्सटेंसेस टू प्रोड्यूस अ न्यू हाइब्रिड कंपाउंड विद इम्प्रूव्ड एफिनिटी एंड एफिकेसी व्हेन कंपेयर टू द पेरेंट ड्रग। मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन, हम इसमें क्या करते हैं, दो ड्रग्स को आपस में मिलाते हैं और एक न्यू केमिकल एंटिटी मार्केट में आती है और उससे हमें पता चलता है इसको इसको जो एफिशिएंसी है, एफिनिटी है, एफिकेसी है, वो पेरेंट ड्रग से ज़्यादा अच्छी है। मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन ऑफ ऑल टुगेदर न्यूअर ब्रीड्स ऑफ बायोएक्टिव एजेंट्स आइदर फ्रॉम टू आर इवन मोर कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बाय द एड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सिंथेसिस। हम इसमें कोवेलेंट बॉन्ड सिंथेसिस का कंसेप्ट लाते हैं जिसमें एस्टरीफिकेशन है, शिफ्ट बेस है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन है, बहुत से बॉन्ड इसमें बन रहे होते हैं जिनको कोवेलेंट बॉन्ड सिंथेसिस कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है। इस टेक्निक से हम दो कंपाउंड को जो पहले से ड्रग्स हैं हम उनको आपस में मिलाते हैं बाय अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो उससे एक न्यू कंपाउंड सिंथेसाइज होता है जो जिसकी एफिशिएंसी एफिकेसी पेरेंट कंपाउंड से भी अच्छी होती है। नेकी एक साइंटिस्ट था, इन 1886 फर्स्ट कंसीव द इंटरेस्टिंग सेरल प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के मुताबिक ही एक्सप्लॉइटेड द बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एंटी बैक्टेरियल करेक्टरिस्टिक्स इनटू द डिज़ाइन ऑफ न्यूअर ड्रग मॉलिक्यूल। ही इम्प्रूव्ड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ न्यू ड्रग बाय मीन्स ऑफ सिंपल स्टेरिफिकेशन। नेक एक साइंटिस्ट था, इसने सिंपल स्टेरिफिकेशन की कि उस स्टेरिफिकेशन के नतीजे में जो कंपाउंड वजूद में है उसकी एफिशिएंसी एफिकेसी पेरेंट कंपाउंड से अच्छी थी। अगेन एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन, अ फ्यू टिपिकल एग्जाम्पल वेयर इन द हाइब्रिडाइजेशन वाज अकम्प्लिश्ड कमेंसिंग फ्रॉम टू बायोटेक एंटिटीज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल सेलुलर प्रिंसिपल अकर्ड एज स्टेटेड नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, अ मॉलिक्यूल ऑफ स्ट्रिप्टोमाइसिन एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ आइसोनियाज़िड बाय मीन्स ऑफ स्ट्रांग डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। हेयर डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, दिस मॉलिक्यूल इज आइसोनियाज़िड एंड दिस होल मॉलिक्यूल इज स्ट्रिप्टोमाइसिन। दे कंबाइन टूगेदर ओवर हेयर एंड फॉर्म न्यू केमिकल एंटिटी। The hybridized molecule exhibits significant potentiated antibacterial and tuberculostatic agent. ये जो कंपाउंड है हम इसको एंटीबैक्टीरियल एजेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं, हम इनको ट्यूबरक्लोस्टेटिक एजेंट के तौर पर भी ये भी कंपाउंड काम कर सकता है, तो इसको स्ट्रिप्टोनियाज़िड कहते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन हुई है, मीन दो कंपाउंड, एक आइसोनियाज़िड है दूसरा ये स्ट्रिप्टोमाइसिन है, ये आपस में मिले हैं और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैन। दिस इज द एंटी बैक्टेरियल एजेंट, दिस द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह एंटी टूसिव एक्सपेक्टोरेंट ड्रग है, ये होती है, इनको एंटी साइकोटिक एजेंट भी कहते हैं, गोसाइल फिनाइल सिंकोनिनिएट। It produce when one mole of each of syncophene, this is syncophene, this molecule is syncophene, this whole molecule is syncophene and this is guaifenyl.
इंटरेक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म एस्टर लिंकेज एंड लूजिंग ए मोल ऑफ वाटर, द न्यू प्रोडक्ट शोज एन इम्प्रूवड एंटीटूसिव एंड एक्सपेक्टोरेंट एक्टिविटी. मीन्स ये जो होल कंपाउंड है, पूरे का पूरा कंपाउंड एंटी साइकोटिक एजेंट है, साइकाट्री के लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है अगर ये कंबाइंड थेरापी की जाए. मीन्स हम जब ये दो ड्रग्स आपस में मिलती हैं एस्टर लिंकेज से, तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा इम्प्रूव होती है. तो ये जो एंटीट्यूसिव एजेंट्स हैं के तौर पे काम करती है ये ड्रग. ये सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक थी, मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन का सेकेंड एग्जाम्पल है. थर्ड एग्जाम्पल है एंटीप्रेटिक एनल्जेसिक एजेंट. इसमें कोनीन एसिटाइल सैलिसिलेट है. द हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस बिटवीन अ मोल ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्प्रीन एंड अ कोनीन अ पोटेंट एंटीमलर ड्रग एजेंट टू लूज अ मोल ऑफ वाटर. अब देखें, एक एस्प्रीन है, इट इज यूज एज एंटीप्रेटिक एजेंट एंड अदर इज पोटेंट एंटीमलर कोनीन. अब ये पूरे का पूरा कंपाउंड ये कुनीन एस्टर सैलिसिलेट है, ये कुनीन है और ये क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है. एस्टर लिंकेज के जरिए आपस में इनका बांड बना है. द रिजल्टिंग हाइब्रिडाइज प्रोडक्ट पोटेंशिएट द एंटी मलेरिया एक्टिविटी अलॉन्ग विद सब्सटेंशियल एंटीप्रेटिक एनल्जेसिक एक्टिविटी. अब देखें, इस कंपाउंड्स की एक्टिविटी इम्प्रूव हो गई है. अब हुआ क्या है कि पहले से मौजूद एस्प्रीन और कुनीन का आपस में रिएक्शन दिखाया है और एक एस्टर लिंकेज डिवेलप हुई है और एक न्यू ड्रग मॉलिक्यूल मौजूद में है जिसकी एंटीप्रेटिक एनल्जेसिक एक्टिविटी है. मीन्स ये बुखार को भी ख़त्म कर देगा, एंटी मलेरिया अगर मलेरिया है, और साथ में जो एनल्जेसिक है, पेन किलर है, पेन है, उसको भी ये एस्प्रिन ख़त्म कर देती है. नेक्स्ट है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस ड्रग डिज़ाइन. ये भी मेथड ऑफ वेरिएशन में है. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट व्हाटसोएवर दैट द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप इनवेरिएबली अफोर्ड सर्टेनली अ मॉलिक्यूलर कंप्लीमेंट्री प्रिवेलिंग एविडेंटली बिटवीन द बायो एक्टिव कंपाउंड एंड द प्रोबेबल रिसेप्टर साइट. एट दिस पॉइंट In time, two different situation may usually crop up, namely increased rigidity that may ultimately lead to improved potencies and increased flexibility that may give rise to better and improved activity. These two aforesaid situations shall now be discussed with typical examples so that one may have a better understanding of this aspect vis-a-vis drug design of newer targeted drug मॉलिक्यूल. इंक्रीज रिजिडिटी, देयर आर प्लेथोरा ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स. प्लेथोरा मीन्स बहुत ज्यादा तादाद में ड्रग मॉलिक्यूल मौजूद हैं विच आर इनहेरेंटली फ्लेक्सिबल नेचर, जिनकी नेचर फ्लेक्सिबल है, दैट इज दे कैन एज्यूम अ वाइड रेंज ऑफ शेप्स. मीन उन कंपाउंड्स की बहुत से आइसोमर पॉसिबल हैं, उनकी स्पेशल इवेंट बहुत सी हो सकती हैं, उनके ग्रुप्स को स्पेस में डिफरेंट साइड पर ओरिएंट किया जा सकता है. ऑफ दीज स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स क्वाइट अ फ्यू आर एब्सोल्युटली नॉट सो फेवरेबली एक्सेप्टेबल फॉर रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट. देयरफॉर द डिजाइन आर सर्च फॉर अ रिलेटिवली मोर रिजिड स्ट्रक्चर एनालॉग एसेंशली हैविंग द रिक्वायर्ड करेक्ट एंड डिजायर्ड डायमेंशन मस्ट बी लुक्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मोर पोटेंट ड्रग सब्सटेंस. इंक्रीज रिजिडिटी, रिजिडिटी मीन्स स्ट्रक्चर अगर जितना ज़्यादा रिजिड होगा तो उसकी ड्रगेबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी. देयरफॉर द डिज़ाइन और सर्च ऑफ रिलेटिव मोर रिजिड स्ट्रक्चर एंड लोग एसेंशियली हैविंग द रिक्वायर्ड करेक्ट एंड डिजायर्ड डायमेंशन मस्ट बी लुक्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मोर पोटेंट ड्रग. अगर वो रिजिड है, उसकी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती है, तो वो फायदा है, वो ज़्यादा ड्रग एबल हो सकता है एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल विच इज़ फ्लेक्सीबल. इंक्रीज रिजिडिटी बिसाइड द एक्चुअल डिस्टेंस एग्जिस्टेंट बिटवीन टू वाइटल फंक्शनल मॉइटीज मे बी ऑलमोस्ट फिक्स्ड आर्बिट्रेली इन रिजिड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वेरियंट. दीज रीस्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजिकली पोजिशनड न्यूअर टारगेटेड ड्रग मॉलिक्यूल मे बी सब्जेक्टेड टू
वाइग्रस एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन बाय द एड ऑफ सेवर सोफिस्टिकेटेड लेटेस्ट फिजिको केमिकल एनालिटिकल डिवाइसेज सच एज एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस, ऑप्टिकल रोटेड डिस्पर्शन, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एफटीआईआर स्पेक्ट्रोमेट्री एंड एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड लॉग्स ऑफ एस्टाइन कोलाइन आर शॉर्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग विद इंक्रीज रिजिडिटी हैविंग 5 or 6 मेंबर्स सैचुरेटेड रिंग्स वर सिंथिसाइज एंड देयर एक्टिविटीज वर कंपेयर्ड यूजिंग एस्टाइन कोलाइन एज द रेफरेंस ड्रग। ये देखें, ये मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड हैं, मॉडिफाइड एस्टाइन कोलाइन है विद 5 मेंबर रिंग, मॉडिफाइड एसिटाइल कोलाइन विद 6 मेंबर रिंग, एसिटाइल कोलाइन एंड ओपिक चेन एनालॉग। इंटरेस्टिंगली आइदर ऑफ द टू स्ट्रक्चरल एनालॉग ए एंड बी कैन बी फर्दर रिजॉल्व इनटू देयर रिस्पेक्टिव ट्रांस एंड सीज आइसोमर स्पेशली रीअरेंज स्ट्रक्चर। हम इनको इनके साइक्लिक एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे हमें पता चलेगा कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा एटम किस से क्या इंटरेक्शन कर रहा है और उसकी एफिशिएंसी और एफिकेसी पे क्या डाल रहा है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द इंट्रा एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम फॉर द सीज आइसोमर रेंज बिटवीन 2.5 to 2.9 एंगस्ट्रॉम, वेयर एज बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांस आइसोमर्स ए एंड बी वेरीड बिटवीन 2.9 to 3.7 एंगस्ट्रॉम। फर्दर मोर द रिलेटिव कोलिनर्जिक एक्टिविटीज ऑफ द सीज आइसोमर वर फाउंड टू बी ग्रेटर दैन द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांस आइसोमर यूजिंग एस्टाइन कोलाइन एज द रेफरेंस ड्रग। द रिजल्ट ऑफ दीज फाइंडिंग हैव बीन समराइज इन द टेबल वेयर फ्रॉम सर्टन इम्पॉर्टेंट क्ल्यूज मे बी ड्राइव्ड विद रिगार्ड टू सम इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स लोकेटेड ऑन द एंजाइम्स एंड एग्जिस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन सच मोइटीज। ये टेबल है, इस टेबल में देखें एक ड्रग है एसिटाइल कोलाइन, इंट्रा एटॉमिक डिस्टेंस तो इसका मालूम नहीं किया लेकिन इसकी जो रिलेटिव कोलिनर्जिक एक्टिविटी वो 1 है। जो इसका सीज आइसोमर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान डिस्टेंस है 2.5 एंगस्ट्रॉम का लेकिन इसकी एक्टिविटी जो है 1.43 है। जो इसका ट्रांस आइसोमर है इसकी जो डिस्टेंस है इंट्रा एटॉमिक डिस्टेंस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का वो 3.45 है और एक्टिविटी 1.07 डिक्रीज हो गया एक्टिविटी। अगेन जो बी है सीज आइसोमर है इसकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस 2.5 है, इसकी जो रिलेटिव कोलिनर्जिक एक्टिविटी है 1.14 है और इसका जो ट्रांस आइसोमर है वो 2.9 है, इस तरह इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी 1.06। दस असीज इज फाउंड टू बी ऑलमोस्ट 50% मोर एक्टिव देन एस्टाइन कोलाइन एंड बी सीज ओनली अप टू 15% देन एस्टाइन कोलाइन। हाउएवर द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांस आइसोमर ऑफ ए एंड बी डिड नॉट शो एनी इम्प्रूवमेंट इन देयर कोलिनर्जिक एक्टिविटी। इंक्रीज फ्लेक्सीबिलिटी, द प्रॉब्लम्स encountered invariably with the less flexible, rigid and compact molecules being that their maneuverability are comparatively much less। इसके कहने का मतलब ये है अगर कोई मालिक्यूल ज़्यादा फ्लेक्सीबल है तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, मैन्यूरेबिलिटी मीन ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट, वो लेस होगी, बहुत कम होगी। इन अदर वर्ड्स दे आइदर पोजेस लिटल आर प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल capacity to have them rearranged to a more favored conformation that may ultimately give rise to enhanced bioactivity। Examples, propoxyphene 1, this is propoxyphene 1 is an open chain structure log having narcotic analgesic activity, this compound has narcotic propoxyphene narcotic analgesic activity, whereas its corresponding cyclic analog इज ऑलमोस्ट फाउंड टू बी डेविड ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। अगर इस कंपाउंड को देखें तो इस ये इसका साइक्लिक, ये ओपन चेन है, ये साइक्लिक 6 मेंबर रिंग, ये इनएक्टिव है, ये बायोलॉजिकली एक्टिव है, तो ये इंक्रीज एबिलिटी की मिसाल है, एग्जाम्पल है। टेलरिंग ऑफ ड्रग की बात करते हैं, विद द एडवेंट ऑफ एनॉर्मस इन डेप्थ नॉलेज ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री द टेलरिंग ऑफ ड्रग हैज बिकम अ स्किलफुल आर्ट दैट मे रिजल्ट फ्रूटफुल रिजल्ट थ्रू स्पेसिफिक modes of attack on a drug molecule
वेरियस कॉन्फिगुरेशनरी एंड स्टीरोकेमिकल चेंजेस अफोर्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओवरऑल डायमेंशन ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल. सच अल्ट्रेशन मे बी कन्वीनियंटली अचीव्ड थ्रू डिफरेंट मीन्स एंड वेज, नेमली रिंग फिशन और फ्यूजन, फॉर्मेशन ऑफ लोअर और हायर होमोलोग, इंट्रोडक्शन ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर्स, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड टुवर्ड्स ज्योमेट्रिक आइसोमरेज, एंड लास्ट इंट्रोडक्शन बल्की ग्रुप्स टुवर्ड्स रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और द रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सच ग्रुप्स. अल्ट्रेशन ऑफ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू द इंजर्शन ऑफ न्यूअर फंक्शनल मॉइटीज आर बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ सच फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट बाय अदर दैट एसेंशियल डिफर इन डिग्री और इन टाइप. दीज टाइप ऑफ चेंजेस मे बी इफेक्टिवली ब्रॉट अबाउट बाई एसोटेरिक रिप्लेसमेंट, चेंजेस ऑफ ओरिएंटेशन और पोजिशन ऑफ गिवन मॉइटीज, इंट्रोडक्शन ऑफ पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन फंक्शनल ग्रुप्स और रिप्लेसमेंट ऑफ अदर ग्रुप विद डिफरेंट electrical features, and finally such changes which either promote or inhibit the presence of different electronic condition achieved through inductive effect, mesomer effect, tautomeres, chelation, hyperconjugation. These are all the factors which tells us about the flexibility and interaction of the druggable molecule. This was whole about the lecture on method of variations, in which we have discussed about the molecular hybridization technique and the rigidity and flexibility in drug. This is the simple assignment. You are required to do this assignment and submit within given time. These are some recommended books for you. You can use these books for your knowledge. These are the reference books which can be used for your reading, and you can use these books. आप इन किताबों को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ किस्म के अपने कंसेप्ट मज़ीद क्लियर कर सकते हैं. अगर किसी भी किस्म क्यूरी हो तो यू कैन कंटेक्ट विद मी. अल्लाह हाफिज़. सलाम अलैकुम.